हेलो एवरीवन, आज देखिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन। जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में है, और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी तरफ से आपका एक जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर आपका 23 टाइप्स जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें ये जो तमाम जो 23 वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसीज में आईटीआई ट्रेड में आपका जितनी ट्रेड है, सभी प्रकार ट्रेड के लिए आपका इसमें वैकेंसी है। उसके अलावा आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। तो ये देखिए, इसमें जो वैकेंसी ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो वैकेंसी आपका 10th लेवल की वैकेंसी है, कुछ पोस्ट इसमें है जो 12th का है, और एक दो पोस्ट है जो आपका ग्रेजुएशन का है। ज़्यादातर जैसे 23 टाइप का जो वैकेंसी बता रहा हूँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपका 10th लेवल का है, ठीक है। चलिए, ये जो वैकेंसी आपका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का जो वैकेंसी है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कोई स्पेशल एक ही स्टेट के लिए नहीं, सभी स्टेट से और जितने भी हमारा यूनियन टेरिटरीज है, सभी स्टेट से जो 10th और 12th ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जो 23 टाइप का जो वैकेंसी है, इसमें वन बाई वन जो उसमें आपका टाइप ऑफ पोस्ट आपका, उसके लिए आपका पे स्केल क्या रहेगा, आपके एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस की क्या आवश्यकता है, कुछ पोस्ट ऐसा है जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, वैकेंसी को कैटेगरी वाइज, दैट मीन्स SC ST OBC EWS आपका अनरिजर्व्ड, और जैसे आपका PWD या एक्स सर्विसमैन, जो कैटेगरी वाइज किस तरह से बांटा गया है, ये सभी पॉइंट्स जो इसमें मैं डीपली इसमें डिस्कस करूँगा। तो इसलिए मेरा देश के तमाम जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो जॉब के लिए जो उपेक्षित कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग थोड़ी सी संयम के साथ मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि मैं चाहता हूँ एक वीडियो में आपको पूरी जो इसका डिटेल्स है नोटिफिकेशन का, आपको क्लियर हो जाए और आप आराम से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकें और उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। देखिए, इसका सबसे जो पहला पोस्ट है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है, ये इसके लिए सैलरी जो दिया जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पे स्केल दिया है, यहाँ पे जो पे स्केल लिखा है आपका, देखिए 25,500 से 81,100 रुपये रहेगा। देखिए, ये आपका पे स्केल है, पे स्केल के अलावा सभी जितने भी पोस्ट है, यहाँ पे सिर्फ पे स्केल दिया हुआ है। पे स्केल के अलावा आपको DNS अलाउंस मिलेगा, जो DA जिसको महंगा भत्ता कहते हैं। हाउस रेंट, अगर आपको एकोमोडेशन मतलब अगर घर दिया जाता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, अगर घर नहीं दिया जाता है रहने के लिए तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे। उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपका ऑफिस से घर तक जहाँ भी रहते हैं, जो आपका घर से लेकर आपका ऑफिस तक ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे। अन्य जितना भी अलाउंसेस आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लागू है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है, ये बिल्कुल परमानेंट है, इसमें कोई टेम्पररी या कंट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जैसे वैकेंसी आपका अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसमें डिग्री इन कॉमर्स, दैट मीन्स आपका बीकॉम ग्रेजुएट चाहिए। ये जो अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपका कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए, मतलब आपका बीकॉम पास किया होना चाहिए, और 1 ईयर का आपका अकाउंट्स का जो काम है, चाहे वो गवर्नमेंट में किया हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट, या आपका कोई प्राइवेट सेक्टर में किया है, तो उसका एक्सपीरियंस आपको इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें देना होगा, जो 1 ईयर का है। इसका देखिए टोटल जो वैकेंसी आपका, एक वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है रखा गया है। दूसरा देखिए, यहाँ पे सेकंड वैकेंसी आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यहाँ पे देखिए इनका जो पे लेवल 4 है, 25,500 से लेकर 81,100 रहेगा, स्केल अप पे है। इसके लिए देखिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए देखिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक, सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपका चाहिए, इसमें कोई परसेंटेज नहीं रखा गया है, और उसमें आपका ITI का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ आपका क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि ITI सर्टिफिकेट जो एक होना चाहिए, ठीक है। आपका मैकेनिक, जो आपका मैकेनिक ट्रेड के ऊपर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड के ऊपर आपके एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर देखिए एक वैकेंसी आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है, ठीक है। तीसरी वैकेंसी देखिए, सीनियर जो मैकेनिक का जो वैकेंसी है, उनका भी देखिए पे स्केल 25,500 से 81,100 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन
और यहाँ पे देखिए उसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, दैट मीन्स आपका ITI सर्टिफिकेट होना जो है अनिवार्य है। और उसके साथ साथ इसमें देखिए इस पोस्ट के लिए आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका आवश्यकता है। उसी तरह यहाँ पे जो सेकंड वाला जो पोस्ट है देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसमें भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इस उसी ट्रेड पे आपको चाहिए। अच्छा, ये जो तीसरा नंबर जो वैकेंसी सीनियर मैकेनिक, इसमें देखिए टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो है दिया गया है। देखिए इस नोटिफिकेशन का जो संपूर्ण डिटेल्स को कवर करने से पहले मेरा देश के तमाम जो अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स को मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या पहले से विजिट करते आ रहे हैं, बट अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को, आप अगर इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे अपना स्टेट गवर्नमेंट का जॉब, जो लेटेस्ट जॉब जो नोटिफिकेशन या वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप इमीडिएटली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका बेल आइकन को प्रेस करके आप इस चैनल के लिए पर्सनलाइज हो सकते हैं। पर्सनलाइज होने से आपको एक फायदा होगा कि यहाँ से कोई भी वीडियो, कोई भी जो नोटिफिकेशन जैसे अपलोड करूँगा उसका इमीडिएट आपको नोटिफाई करेगा, और आप जो है उस वीडियो को देखकर आप जो है लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है पक्का एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए एक छोटे छोटे आपके लिए छोटे छोटे लाइक होगा हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ी एक इंस्पायरेशन है, ताकि हम जो है प्रेरित होकर आप लोगों के लिए नया नया जो नोटिफिकेशन, नया नया वीडियो लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहाँ पे चौथी जो वैकेंसी की बात करें, आपका मशीन माइंडर जो लिथो है, लिथो ऑफसेट है, इसके लिए देखिए आपका ये भी आपका अवेलेबल 4 के अंदर अंतर्गत है, 25,500 से 81,100। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है। इसमें देखिए वो जो कैंडिडेट इसके लिए आपका मशीन माइंडर के लिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करेगा वो क्या जानकारी उसको होना चाहिए, देखिए प्रिंटिंग इन कलर विथ आपका करेक्ट रजिस्ट्रेशन, सेटिंग अप आपका इंकिंग रोलर्स, आपका डैम्पर्स एंड जो प्रेशर्स एंड मेकिंग केमिकल्स फॉर लिथो ऑफसेट, ये सारे चीज़ें उनको पता होना चाहिए। इसमें देखिए एक ही वैकेंसी है, एक वैकेंसी जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व है। यहाँ पे देखिए पांचवा वैकेंसी आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें देखिए दो तरह के आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो असिस्टेंट का देखिए टोटल 3 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपका UR के लिए, एक वैकेंसी आपका जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, एक वैकेंसी आपका यहाँ पे दिया गया है जो OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो यहाँ पे जो दिया गया है ये है डिसेबल कैंडिडेट्स, ये तीनों में से एक वैकेंसी, ये जो तीनों वैकेंसी में से एक वैकेंसी जो डिसेबल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, तीनों में से एक वैकेंसी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है। और इसमें देखिए, इसमें देखिए जो लेबोरेटरी असिस्टेंट दो टाइप का है, सबसे पहला जो अप्लाइड आपका मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी के लिए एक है, अप्लाइड जो मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी के लिए जो एक है उसके लिए, ये जो इसके लिए जो अप्लाई करेगा उसका देखिए BSc होना चाहिए, उसमें उसी कैंडिडेट्स का BSc का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें जो अप्लाइड साइंस स्कूल के लिए जो 2 वैकेंसी है, इसके लिए जो आवेदन करेंगे उनका 12th साइंस होना चाहिए, 12th साइंस होना चाहिए, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकेंड क्लास हो वो होना चाहिए। ठीक है, छठी जो वैकेंसी है ये है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसको हम जूनियर क्लर्क भी कहते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क का। इसमें देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क का जो 14 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी में से 3 वैकेंसी SC, 1 वैकेंसी ST, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी आपका EWS, 8 वैकेंसी आपका अनरिजर्व के लिए, जिसके अंदर आपका देखिए एक जो है PWD कैंडिडेट्स का क्षेत्रीय आरक्षण में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, 2 आपका ESM जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है जो रिटायर्ड फ्रॉम जो डिफेंस सर्विसेज उनके लिए है। ठीक है, और उसी पोस्ट के लिए देखिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें, देखिए 12th पास होना चाहिए, ये जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट में आपका लिया जाएगा जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी में टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको आना चाहिए। ये आपका अवेलेबल 2 के अंदर इनको अंतर्गत किया गया है, इनका जो स्केलअप पे रहेगा 19,900 से 63,200। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आपको आप जो जिस ट्रेड के लिए एलिजिबल है आपको आराम से समझ आ जाएगा। 7वां वैकेंसी आपका स्टोर कीपर Grade 2, यहाँ पे देखिए ये आपका अवेलेबल दिए Level 2 1,900 से 63,200। ठीक है, इसके लिए भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12
ट्वेल्थ पास चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपका स्टोर कीपर ट्रेड कीपर कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें देखिए 2 वैकेंसी, 1 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी EWS के लिए इसमें है। 8वां वैकेंसी आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसको शॉर्ट में CMD करके देखिए, CMD करके बताया गया है, ठीक है, ये आपका ऑर्डिनेंस ग्रेड है, ठीक है, आपका CMD सिविलियन मोटर ड्राइवर, ये भी आपका पहले बुल 2 के अंदर देखिए पे स्केल दिया गया है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और उसके साथ साथ इसका एक सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके साथ साथ 2 ईयर्स का आपका ड्राइविंग व्हीकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जो सीएमडी के लिए, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल 3 वैकेंसी हैं, तीनों वैकेंसी में जो अनरिजर्व के लिए दिया गया है, इसमें से 1 वैकेंसी, ये तीनों में से जो एक ही वैकेंसी आपका सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए जो है रिजर्व है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर जो वैकेंसी लाइब्रेरी क्लर्क के लिए, लाइब्रेरी क्लर्क को भी आपका पहले बुल 2 के अंदर अंतर्गत किया गया है, जिसके अंदर 19,900 से 63,200, इसमें देखिए जो कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे 12th पास होना चाहिए, सिर्फ आप 12th पास होना चाहिए, आपका जो है किसी भी स्ट्रीम से आर्ट साइंस कॉमर्स होना चाहिए, 1 ईयर का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट लाइब्रेरी वगैरह में आपका एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। 10 नंबर वैकेंसी यहाँ पे देखिए सेंट मॉडलर, जो सैंड मल्डर है ये भी आपका पहले बुल 2 के अंदर अंतर्गत है, इसके लिए आपका देखिए मेट्रिकुलेशन जो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पे देखिए आपका मेट्रिकुलेशन की आवश्यकता है और 1 ईयर आपका सिमिलर वर्क के ऊपर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 वैकेंसी है, 4 में से 2 आपका अनरिजर्व के लिए, 1 EWS, 1 OBC का वैकेंसी है ये जो सैंड मॉडलर के लिए। उसी तरह थोड़ा सा यहाँ देखिए एक जो लाइब्रेरी क्लर्क का जो सीरियल नंबर आपका 9 है, यहाँ देखिए लाइब्रेरी क्लर्क का 2 वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी, 1 वैकेंसी आपका यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसी आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे आपका 11वां वैकेंसी, ध्यान इसमें थोड़ी सी धैर्य रखिए क्योंकि 23 टाइप्स का वैकेंसी है, थोड़ी सी धैर्य रखिए, ठीक है। 11वां वैकेंसी जो कुक ट्रेड के लिए है, जो कुक ट्रेड का वैकेंसी यहाँ पे देखिए उसके लिए आपका जो पे स्केल यहाँ पे दिया है 19,900 से लेकर 63,200, मेट्रिकुलेशन की आवश्यकता है और देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो 1 ईयर का आपका खाना बनाने के ऊपर जो है होना चाहिए। टोटल वैकेंसी आपका कुक का 3 है, उसमें से 1 देखिए अनरिजर्व, 1 आपका EWS, 1 आपका SC के लिए वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 12वां वैकेंसी को थोड़ा ध्यान दीजिए, 12वां वैकेंसी आपका फिटर जनरल मैकेनिक जो है, फिटर है जनरल मैकेनिक, इसके लिए देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th चाहिए और उसके साथ उसके आपके सर्टिफिकेट आपका क्राफ्ट्समैनशिप का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ फिटर ट्रेड में आपका ITI सर्टिफिकेट होना, और उसके साथ साथ 1 ईयर का जो ट्रेड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए टोटल वैकेंसी आपका 6 दिया गया है, 6 में से 4 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी SC, जिनके अंदर आपका PWD कैंडिडेट्स का एक कंपलसरी वैकेंसी मिले दिया जाएगा और एक सर्विसमैन के लिए कंपलसरी वैकेंसी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13वां वैकेंसी आपका मॉडलर, ये भी देखिए पहले बुल 2 के अंदर अंतर्गत है, पे स्केल यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेट्रिकुलेशन आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें 1 वैकेंसी आपका दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखिए अभी देखिए जो आपका 14वां वैकेंसी है, यहाँ देखिए 14वां वैकेंसी आपका कारपेंटर ट्रेड से है, इसका भी ये पहले बुल 2 के अंदर अंतर्गत किया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक चाहिए और 1 ईयर का आपका ट्रेड एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस चाहिए आपका जो कारपेंटर ट्रेड में। टोटल वैकेंसी 5, उसमें से 4 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 1 वैकेंसी आपका OBC के लिए, जिसमें से 1 वैकेंसी दिया जाएगा आपका एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है उनके लिए कंपलसरी रहेगा। 15वां वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन का ये देखिए पहले बुल 2 के अंदर अंतर्गत है, इसके लिए आपका मेट्रिकुलेशन चाहिए, उसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से चाहिए, ITI सर्टिफिकेट चाहिए, 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके अंदर 2 वैकेंसी है, 2 में से 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी आपका SC के लिए है, ठीक है। 16वां वैकेंसी आपका देखिए मशीनिस्ट जो वुड वर्किंग के ऊपर है, यहाँ पे पहले बुल 2 अंतर्गत है, मेट्रिकुलेशन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेट्रिक होना चाहिए, 1 ईयर का आपका ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, टोटल 1 वैकेंसी आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए जो है सुरक्षित है।
यहाँ पे देखिए 17वां वैकेंसी जो ब्लैक स्मिथ ट्रेड का है, ये भी आपका पहले मूल टू के अंदर अंतर्गत है। इसमें देखिए आपका मैट्रिकुलेशन, जो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट, ब्लैक जो आपका ब्लैक स्मिथ ट्रेड के ऊपर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी देखिए आपका पोस्ट एक दिया गया है, एक ही वैकेंसी जो आपका सामान्य वर्गों के लिए है, जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। 18वां वैकेंसी आपका पेंटर के लिए, पेंटर का ये देखिए पहले मूल टू के अंदर अंतर्गत किया गया है, और जो आपका एजुकेशन चाहिए, आपका मैट्रिक चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जो पेंटर के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। एक ही वैकेंसी, एक वैकेंसी ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए दिया गया है। 19वां वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इंजन आर्टिफिशर का पहले मूल टू के अंदर अंतर्गत किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आपका इंजन आर्टिफिशर, देखिए यहाँ पर देखिए जो इंजन आर्टिफिशर है 19वां जो वैकेंसी है, इसके लिए आपका मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसमें 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस, जो ट्रेड सर्टिफिकेट में आपका जो इंजन आर्टिफिशर ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। टोटल वैकेंसी है कि एक वैकेंसी आपका रिजर्व जो कैटेगरी के लिए दिया गया है। इसमें देखिए 20वां जो वैकेंसी आपका स्टोरमैन टेक्निकल की वैकेंसी, ये भी ये आपका पहले बुल 1 के अंदर है, 18,000 से लेकर आपका 56,900 रहेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपका मैट्रिक, और उसके साथ साथ आपका देखिए जो सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस, देखिए 1 साल की आपका वर्क एक्सपीरियंस, स्टोर में आप काम किया हुआ एक्सपीरियंस चाहिए। एक वैकेंसी आपका रिजर्व जो कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बताना चाहूँगा, जो 21वां वैकेंसी आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो देखिए ये पहले बुल 1 के अंदर अंतर्गत किया गया है, आपका मैट्रिक होना चाहिए, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी होना चाहिए। टोटल 2 वैकेंसी है, दोनों में से एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए इसमें सुरक्षित है, जो आपका रिजर्व है। देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी है, ठीक है। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका सफाई का काम करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका मैसेंजर, गार्डनर, वॉचमैन और माली, इस तरह की ड्यूटी आपका मल्टीटास्किंग में करना पड़ेगा। ये जो मल्टीटास्किंग ड्यूटी देखिए 22 नंबर सीरियल पे दिया गया है, ठीक है। इसका ये पहले बुल आपका 1 के अंदर आता है, जैसे 18,000 से लेकर 56,900 आपका स्केल अप पे रहेगा। इसके लिए देखिए मैट्रिक जो है, इसमें जो मल्टीटास्किंग के लिए जो आवेदन करेंगे, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या आईटीआई पास होना चाहिए, ये दोनों में से कोई कैंडिडेट्स अगर मैट्रिकुलेशन है किया हुआ है वो भी आवेदन कर सकता है, आईटीआई पास वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए वैकेंसी आपका 49 वैकेंसी है, जिसमें 14 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 13 वैकेंसी ओबीसी, एसटी के लिए 1, एससी के लिए आपका 17 वैकेंसी है, जिसके अंदर ये टोटल जो वैकेंसी के अंदर एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो हैंडीकैप्ड, और 5 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो है रिजर्व है। देखिए 23वां वैकेंसी आपका लश्कर का वैकेंसी है, ये भी पहले बुल 1 के अंदर अंतर्गत है। इसमें देखिए आपका सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए मल्टीटास्किंग का ऐसे ही कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका लश्कर का देखिए 10th पास होना चाहिए, इसमें भी देखिए 13 वैकेंसी, 13 में से 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 4 वैकेंसी आपका ओबीसी, 5 वैकेंसी एसटी, 3 वैकेंसी एससी का वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन को कंपलसरी जो है दिया जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट जो ये जो अप्लाई करने की जो ये जो आपका जो वैकेंसी के ऊपर आप जो आवेदन करेंगे, आवेदन करने की जो प्रोसेस है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे एक साइट दिया गया है, आपका सीएमडी पुणे का जो वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को बीच में थोड़ा इसमें मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखते टाइम आप पक्का इसको जो है लैंडस्केप मोड में देखिए, ताकि ये नोटिफिकेशन बहुत छोटे छोटे इसमें दिखाई दे रहा है, तो आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखाई देगा। और इसमें परेशान होने की, अगर इस वीडियो में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो नोटिफिकेशन पीडीएफ को मेरा टेलीग्राम पेज में भी मैं शेयर करूँगा, मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन करेंगे। देखिए मेरा टेलीग्राम पेज में आपको जो पेज का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस लिंक के जरिए मेरा टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद ये पीडीएफ भी, ये जो वीडियो भी वहाँ पर मिलेगा, और इस सेम आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसको जूम करके पढ़ सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए अभी एज लिमिट की अगर बात करें, जितना भी पोस्ट दिया हुआ है सभी पोस्ट के लिए जो 18 से 25 साल के अंदर आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, 18 से 25 साल। बट जो एक ही पोस्ट है जो सीएमडी है, जो सिविलियन मोटर ड्राइवर, जिसका सीरियल नंबर है 8,
आठ में है, सीरियल नंबर आठ में जो पोस्ट है आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर, उसका जो एज लिमिट है 18 से 30 साल। बाकी जितने भी पोस्ट है 18 से 25 साल तक आप जो है पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो डेट जो काउंट किया जाएगा अपर एज लिमिट या जो जो लोअर एज लिमिट है, मिनिमम जो एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट यहाँ पे देखिए लास्ट डेट जो 25 फरवरी रखा गया है, 25 फरवरी 2023 जो है इस वैकेंसी के ऊपर अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है। तो सभी कैंडिडेट्स को अगेन कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट की रश के लिए आप लोग इंतज़ार मत कीजिए। जैसे इस वीडियो को देखते हैं तो इमीडिएट जो है आप उस फॉर्म को, आप अगर एलिजिबल है आप इसको वैकेंसी के ऊपर ऑनलाइन जो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो आपका 25 फरवरी 2023 है ये आपका लास्ट डेट है, इसी डेट के आधार पर आपका मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट काउंट किया जाएगा। दोबारा एज लिमिट को दोहराता हूँ, जो सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ आपका जो सिविल जो आपका सिविल मोटर ड्राइवर जो ड्राइवर है उसके लिए 18 से 30 साल तक आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें देखिए जो रिलैक्सेशन कुछ इस तरह रहेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, रिलैक्सेशन रहेगा। जो एससी एसटी के लिए 5 साल अतिरिक्त रिलैक्सेशन दिया जाएंगे, ओबीसी के लिए 3 साल दिया जाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से है अगर वो जनरल है उनको 10 साल, ओबीसी है तो 13 साल या एससी एसटी है तो 15 साल उनको जो है एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी चलते हैं जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट चलते हैं यहाँ पे देखिए, जो पर्सन किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत है अगर वो इन्हीं पदों में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। बट आप अप्लाई तो करेंगे ऑनलाइन, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ उसका प्रिंट निकाल कर, यहाँ पे क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, उसका प्रिंट निकाल कर आपको ऑफिशियली जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस से एक कवरिंग लेटर या फॉरवर्डिंग लेटर बना के आपको प्रॉपर चैनल पे कहाँ फॉरवर्ड करना होगा, यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट सेल आपका यहाँ पे सीएमई जो दापोड़ी पुणे का जो एड्रेस दिया है, यहाँ पे जो एड्रेस दिया है इसी एड्रेस में आपको भेजना होगा, यहाँ पे भेजना होगा, तभी जाके आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मान्य होगा। और ये जो प्रिंट निकल कर जो भेजेंगे ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ जो एम्प्लॉयज है पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर कोई जॉब कर रहे हैं बट ये हायर पे स्केल की वजह से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आप उसी डिपार्टमेंट से पहले तो ऑनलाइन आप आवेदन करोगे, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल के उस प्रिंट को ऑफिशियली भेजोगे, आपका ऑफिस से उसको भेजना पड़ेगा, वो भी 25 फरवरी 2023 तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके आपको मान्य होगा। देखिए उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, सबसे पहले आप जो डाटा ऑनलाइन भरते समय जो आप डाटा देंगे या जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें एनक्लोज करेंगे सबमिट करेंगे, उसके आधार पर सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएंगे। आपका सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए सबसे पहले आपका जो जैसे जो जो कैंडिडेट स्क्रूटिनाइज होने के बाद जिनका स्टेटस जिनको मतलब रिटर्न टेस्ट के लिए बुलवाया जाएगा, इसमें देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एक रहेगा आपका रिटर्न टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट। बट इसमें जो स्किल टेस्ट है सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कौन सी पोस्ट के लिए है मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए रिटर्न टेस्ट सबके लिए है, जो स्किल टेस्ट होगा स्किल टेस्ट या जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क सीएमडी जैसे आपका सिविल मोटर ड्राइवर के लिए जो होगा इनके लिए, और कुक ये जो कुक ट्रेड है यहाँ पे स्किल जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ये तीनों ट्रेड के लिए होगा, जैसे आपका एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क सिविल मोटर ड्राइवर और कुक ट्रेड के लिए करवाए जाएंगे। ठीक है, बाकी ट्रेड के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और इसमें जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे, जो रिटर्न आपका देखिए जो एडमिट कार्ड वगैरह आपका मेल आईडी में ही भेजा जाएगा, सॉरी आपका मेल आईडी में आपको इंटीमेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका एक्टिव जब ऑनलाइन सबमिशन करते हैं आपका जो मेल आईडी देंगे या मोबाइल नंबर जो देंगे वो एक्टिव हालत में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और इसका एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट में अपलोड होगा, रिटर्न के लिए जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे तो वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट सिलेबस के लिए परेशान होंगे क्या सिलेबस आएगा क्या सिलेबस किस तरह से रहेंगे वो देखिए यहाँ पे जो आपका सीएमई जो पुणे है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग का जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट से भी आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेगा क्लियरली है ये पुणे में रहेगा, पुणे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपने आपको तैयार आपको करना है।
ठीक है। और दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई कैंडिडेट से अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, बट मैक्सिमम आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए 23 प्रकार की वैकेंसी है, आप मैक्सिमम 3 प्रकार के वैकेंसी के ऊपर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन में जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटर्न टेस्ट देना होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा, जो देखिए जो वैकेंसी 10th स्टैंडर्ड का है, 10th लेवल में क्वेश्चन तैयार होंगे 10th लेवल पे, और जो वैकेंसी आपका 12th का है वो 12th लेवल पे उसका क्वेश्चन तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्किल टेस्ट या जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जैसे मैंने बताया था, जैसे आपका LDC, CMD और आपका कुक ट्रेड के लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाएंगे। ये जो प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट किया जाएगा ये प्योरली जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क जो है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए जोड़े नहीं जाएंगे, बट इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा तो क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। और दूसरी देखिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही किए जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का शंका किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लियरली सारे चीज़ें इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे देश के तमाम जो नौजवान है, जो बोथ लड़के और लड़कियाँ जो इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए काफ़ी दिनों से उपेक्षित जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप लोग आराम से समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन PDF मेरे टेलीग्राम पेज में मिलेगा। टेलीग्राम पेज में आप ज्वाइन करने की जो तरीका है, टेलीग्राम पेज का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। लिंक के जरिए आप मेरे टेलीग्राम पेज में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, या किसी प्रकार का अगर दिक्कत या डाउट परेशानी रहता है मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इस नोटिफिकेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।